जय दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह और स्वागत है आपका पहला यूनिवर्सल बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे। तो दोस्तों, अहम मुद्दा यह है कि अपन क्षत्रिय प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं या कुछ भी और किस्म का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ वो करना ही पर्याप्त नहीं है। अपने को अपनी दिनचर्या के अंदर जो अपन भोजन प्राप्त करते हैं उसका बहुत ज़्यादा ही महत्व रहता है। हमेशा आपने सुना होगा कि सुबह का भोजन यानी सुबह का नाश्ता राजा की तरह होना। और दोस्तों, सुबह के भोजन में इतनी तासीर रहती, इतनी शक्ति रहती कि आपको तकरीबन 85% रोग मुक्त रहेंगे। आप कोई बीमारी आपके नज़दीक आएंगी भी नहीं। बहुत ऐसी कम बीमारियाँ जिसके अंदर ही आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाश्ता किया, जैसा कि हमारे साउथ में इडली डोसा है, नॉर्थ में राजमा चावल है, गुजरात में घाटिया फाफड़ी, अलग अलग जैसे राजस्थान में हो गया जलेबी, दही जलेबी का नाश्ता बहुत प्रचलित है। यानी बोलने का मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाश्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन एक 7 दिन के नाश्ते में अपन एक समान चीज़ खा सकते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा। और वो नाश्ता ऐसा रहना, भरपूर पेट भर के रहना। वो नाश्ता ऐसा रहना कि भरपूर रहना लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रहना, 80% से ज़्यादा आप नहीं खाना, थोड़ी खाली जगह भी पेट में छोड़ना। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत अगर अपन सोमवार से करें यानी मंडे से अगर शुरुआत भी कर रहे अपन, तो शुरुआत में मंडे के दिन आप नाश्ते के अंदर ले सकते हैं भरपूर फ्रूट्स यानी फलहार, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। सीजनल नहीं है तो भी आपको सेब, पाइनएप्पल, केला भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। कोई भी फ्रूट हो सकता हो, यहाँ तक के जाम भी हो सकता, आम भी हो सकता, चीकू हो सकता, और सबसे अच्छा पाइनएप्पल खाने से आपके गंदे बैक्टीरिया को ख़त्म करता हो नहार पेट। सुबह सुबह अगर आप इनका फ्रूट खा रहे इतने सारे फ्रूट्स खा रहे तो आपको कभी भी पिम्पल्स, स्किन और आपका स्किन के अंदर एक ग्लो आएगा। बात करते हैं अभी मंगलवार की यानी ट्यूसडे की। दोस्तों, मंगलवार के दिन आप कई सारे सलाद खा सकते हैं, जैसे कि ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, शक्कर कद्दू हो गया, और खीरा हो गया, बीटरूट खून के लिए आपके बहुत अच्छा काम करेगा, कई सारे कैंसरों के अंदर भी काम आता। आपको पत्ता गोभी है, कच्ची पालक है, थोड़ा सा उसके ऊपर नींबू डाल लीजिए, नींबू और थोड़ा सा काला नमक डालकर उसका सेवन कीजिए। आप देखिए उसके बाद उसका चमत्कार कैसा रहेगा, बड़े से बड़े रोगों को आपको लड़ने की क्षमता यानी शक्ति मिलेगी। आइए बढ़ते हैं अभी वेनेसडे के ऊपर यानी बुधवार। दोस्तों, बुधवार के दिन आप स्प्राउटेड यानी अंकुरित चने वगैरह खा सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल हो गया, उड़द की दाल हो गया, चने की दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, या राजमा हो गया, और जो बीन्स आते हैं सोयाबीन हो गया, इसको अंकुरित करने के बाद में ही इसको खाना। देखिए दोस्त, अगर आप इसको नॉर्मली खाएंगे तो आपको थोड़ा गैस की शिकायत हो सकती। इसको अंकुरित होने के बाद में अच्छे से चबा चबा के खाना। चबाना कितने बार, जितनी आपकी एज, जैसे किसी की 25 साल है तो 25 बार उसको चबा के खाना। ये राजीव भाई दीक्षित भी इसको सिद्ध कर सके और कई सारे लोग इसको अपना रहे भी, कि अपन खाना जब जितना खा रहे, जितनी अपनी उम्र है उतने बार उसको चबा के खाना, उसमें से उसका रस छोड़ेगा उन्हें, वो रस आपके सलाइवा में मिलने के बाद में बहुत बड़ी औषधि का काम करेगा। ये स्प्राउट यानी अंकुरित चने खाने के बाद में उसके ऊपर से आप थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइएगा ताकि आपको आसानी हो सके उसको पचाने में। ये हो गया मसल और हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए बहुत ही आसान तरीका। मसल डेवलपमेंट तो उसके साथ होगा ही होगा, और हार्मोन्स बहुत जल्दी से इम्प्रूवमेंट दिखेंगे आपको हार्मोन्स में। आइए बढ़ते हैं अभी गुरुवार यानी थर्सडे के दिन। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप ड्राई फ्रूट्स को दे दीजिए। ड्राई फ्रूट्स आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, आपके आइस हो गए, आपका लीवर हो गया, आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, आपका हृदय, ऐसा कोई आपका ऑर्गन रहेगा जिससे ड्राई फ्रूट्स क्योर नहीं कर सकते। ड्राई फ्रूट्स के अंदर दोस्तों आप, चलिए मैं आपको एक रेसिपी बता देता हूँ।
काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम ले लीजिए, उसके अंदर लीजिए अभी पम्पकिन सीड्स और तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी गुलाब की पत्ती, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़े आपके उसके अंदर डालिए काली मिर्ची, थोड़ी सी डालिए इलायची, उसके अंदर आप चाहे तो डाल सकते हैं अभी कद्दू के बीज। ये सभी आइटमों को आप अच्छे से पीस लीजिए, ग्राइंडर में मत डालिए, इसे पीसिए आप हाथों से, पीसिए आपको बल भी आएगा। इसमें से थोड़ी खसखस भी डाल दीजिए आप, और चाहे तो आप सूखे कमल के फूल की पत्ती भी डाल सकते हैं। इन सभी सारी चीजों को अच्छे से आप घोटने के बाद यानी पीसने के बाद इसको पानी में मिला भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होना तो इसको आप दूध में भी मिला सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको कभी भी शक्कर के साथ मत लेना, इसको लेना आप गुड़ के साथ या तो फिर मिश्री के साथ। इसका जो दूध निकलता वो दूध का सेवन सुबह सुबह नहार पेट कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर भी आप नहार पेट पी रहे तो आपके कोई भी ऑर्गन को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पूरे ऑर्गन से एकदम फिट रहेंगे। जो इसका मगज बच जाता यानी जो फिल्टर करने के बाद आप छानने के बाद में जो इसका मसाला बच जाता उसे अच्छे आप जो दोपहर का लंच बनाते यानी दोपहर का खाना या जो रात का खाना है आप अपनी सब्जी में डाल दीजिए, बहुत ही पौष्टिक खाना बनेगा और बहुत ही सेहतमंद और सुरक्षित खाना रहेगा। जो बाजार में फर्टिलाइजर का खाना मिल रहा है आपको उससे आपको बीमारियां आती, लेकिन इससे आपकी बीमारियां दूर भागेंगी। आइए बढ़ते हैं शुक्रवार की रोज यानी फ्राइडे, फ्राइडे को क्या खाना दोस्तों, शुक्रवार को आप दे दीजिए जूसों के ऊपर और मिल्कशेक के ऊपर कम से कम 1 से 1.5 लीटर मिल्कशेक, किसी भी किस्म का मिल्कशेक। मेरे पिछले वीडियोस में भी डाला कि मिल्कशेक सबसे अच्छा मिल्कशेक वेट गेन के लिए कौन सा रहता, उसके अंदर आप मिल्कशेक के अंदर आप आम भी डाल सकते हैं, जाम भी डाल सकते हैं, और स्पेशली जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आपको दूध, मौज, घी, मिश्री को अच्छे से मैश करके उसका ये बड़ा जार भर के सुबह सुबह अगर आप नहार पेट पी रहे, जो बिल्कुल ही दुबले पतले रहते एकदम जिनकी हड्डियां आप गिन सकते उनको इससे बहुत तेजी से उनके मसल डेवलपमेंट में और उनका जो मास गेन रहता बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इसका और एक फायदा, आपको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और विटामिन डी भरपूर मिलेगा। 206 हड्डियों के अंदर भरपूर कैल्शियम। किसी भी किस्म का आप दूध के अंदर किसी भी किस्म का और फल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेब हो गया, देख लीजिए आप जैसा आपको सहूलत मिल सकती, कोई भी मीठा फल, खट्टा फल नहीं रहना हो, जैसे कि संतरा मौसमी रहेगा, इसका सेवन दूध के साथ करे तो वो फट जाता। कम से कम 1 से 1.5 लीटर यानी भरपूर यानी भरपेट, यह होगा शुक्रवार का। आइए बढ़ते हैं अब शनिवार के दिन यानी सैटरडे के रोज अपन क्या लेना दोस्तों। शनिवार के दिन आप सुबह उसके नाश्ते में भरपेट वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके बस 1-2 चम्मच तेल डालकर उसके अंदर थोड़े से मूंगफली डाल सकते हैं आप, काला नमक, नींबू डालकर उसको अच्छे से रोस्ट कीजिए। रोस्ट करने के बाद में उसका आप सेवन कीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है यानी जो भी साग भाजी जो कच्ची खाई जा सकती है या थोड़ा बहुत उसको उबाल लीजिए, पत्ते गोभी और गोभी का फूल, कई जगहों पर मैं देखता हूँ दोस्तों कि जब सलाद आपके यानी पत्ता गोभी आपको खाने में आता तो आप उसको निकाल के रख देते या गाजर आ गया तो निकाल के रख देते, लेकिन ऐसा देखता हूँ कि मैं जब आप जो ये जंक फूड फास्ट फूड नूडल्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर अगर आप ढूंढते हो कहाँ पर है बोलकर, पत्ता गोभी कहाँ है, गाजर कम है, मंगाते एक्स्ट्रा, वही अगर आप घर के अंदर सेवन करें शुद्ध तेल से तो आपको उसके अनगिनत फायदे मिलेंगे। बाजार के अंदर एक ही तेल को 100 बार गर्म करते हैं वो लोग, डेली यूज करते एक ही तेल को, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, जिससे आपको कैंसर और कई सारे अनगिनत गंदे गंदे बीमारियां जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों शनिवार का ये जो खाना है इससे आपको चर्म रोग जिंदगी में कभी नहीं रहेगा और आपके ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे
साथ ही साथ दोस्तों आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कभी जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, यानी चर्म रोग के विशेषज्ञ आपके चेहरे पे पिंपल्स आना, काले धब्बे पड़ जाना, कई जगहों पर लोगों को आ जाता, किसी को गर्दन पे आता, किसी को हाथों में आता, किसी को बगलों में आता, और ये जो डार्क सर्कल्स आते हैं, यानी जितने भी चर्म रोग के संबंधित बीमारियां हैं, शनिवार के ये खाने से आपको निकल जाएगा। अब बसती है बारी संडे की, यानी रविवार की। तो संडे के दिन दोस्तों एक दिन माफ, जो भी खाना आपको खा सकते हैं, थोड़ा जुबान का भी टेस्ट का भी ध्यान दीजिए, यानी 6 दिन तो अपन जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए कर रहे ही कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत संडे के दिन थोड़ा बहुत जुबान का टेस्ट लेके जुबान के टेस्ट के लिए अपन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चटपटा खा सकते, ज़्यादा नहीं बस हल्का फुल्का। दोस्तों हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, हर कोई बलवान रहना, रोग मुक्त रहना। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो ये अपने प्रियजनों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।